जिस तरीके से वो बैट का रूप बना दे, बैट्स भी देखिए उधर 67 मीटर का ये लंबा छक्का। और आज होलकर स्टेडियम ना इधर सूर्य की आतिशबाजी देखने आए, और देखिए जिस तरह से लास्ट गेम में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और ये सारे शॉट खेलने में अभिषेक मुझे लगता है बड़े मुश्किल शॉट है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किस लेंथ पे बॉलर को बॉल डलवाना पड़ता है। बेहतरीन बॉलर ये देखिए दोबारा एक बाएं बाजू दूसरे बाएं बाजू सूर्य कुमार यादव पीछे के बी में तो बैक टू बैक छक्के, गेंद खराब नहीं है लेकिन एक ट्रांसफर करके गेंद के नीचे आना और उसके बाद बैटिंग हैंड का जो इस्तेमाल करते हैं सुरेश, दाग देनी पड़ेगी क्योंकि आप पीड़ किधर भी रखिए वहां पे एक ही पीड़ा रख सकते हैं आप। और जब बॉल ऑफ की तरफ आ रही है तो उनके पास शॉट भी है, उनके तक स्टंप्स के अंदर गेंदबाजी करेंगे तो छक्के घर मजबूर के ऑफ की लाइन पे वहां पे कैम ग्रीन गेंद डाले और तैयार थे सूर्य कुमार यादव। और ये सूर्य के ना अलग ही सूर्य नमस्कार है, दो छक्के जैसे उधर लगाए, ये शॉट बहुत तगड़ा लगा क्रॉस के ऊपर से बीचों बीच वो बैक के लगा हो, ये देखिए 68 मीटर का एक और छक्का लगातार तीन छक्के। एक और जोड़ लीजिए चार लगातार छक्के, अब वो दबाव गेंदबाज के ऊपर कहीं ना कहीं वो सोच जाएगी आज ही के दिन युवराज सिंह भी मारे थे क्या सूर्य कुमार यादव मारेंगे। काका इतने एक ही टीम में खेलते तो नेट में तो बहुत छक्के लगाए होंगे, आज मैच में लगा रहे, वैसे मैच सिमुलेशन में खेलते लेकिन क्या 5 और 6 प्राप्त होगी सूर्य कुमार यादव को। जी बिल्कुल माफ कीजिएगा, यूवी ने मारे थे पिछले मैच में, हो सकता है वर्ल्ड कप जीत जाए।